नमस्कार, पते की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करेंगे पते की बात की और आज बात करेंगे तबादलों पर सियासत की। जी हां, जब से मध्य प्रदेश में सरकार बदली है, कमलनाथ सीएम बने हैं, जब से लगातार तबादलों का सिलसिला चल रहा है। तकरीबन 26 कलेक्टर, 48 आईएएस और 15 ऐसे ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जिनको लूप लाइन में डाला गया है। और इन के बाद लगातार जो सिलसिला शुरू हुआ है तबादलों का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगता है लोकसभा के चुनाव आने से पहले तक जो तबादलों का दौर है वो बराबर चलता रहेगा। इसके ऊपर कई तरह की बातचीत नज़र आ रही है कि विपक्ष कहता है कि ये एक तरह से तबादला नहीं, बदला सरकार चल रही है और तबादलों की यहाँ बात निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भी हालांकि इस तरह की बातचीत काफ़ी उठी थी और ये बात निकल रही थी कि भोपाल और जहां तक कि रायसेन, होशंगाबाद, यहां तक कि कलेक्टर्स की जो बात हुई थी, उस वक्त कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कलेक्टर्स के ऊपर और काफ़ी बातचीत ये बड़ी थी कि तब जो कलेक्टर्स हैं वो पक्षपात नज़र रूप उनका नज़र आ रहा है। विधानसभा चुनाव की ये बात थी, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार बदली और उसके बाद सीएम बनते ही चौथे दिन से ही कमलनाथ सरकार में तबादलों का दौर शुरू हो गया। तकरीबन चौथे ही दिन 26 कलेक्टर, 48 आईएएस और 15 ऐसे अधिकारी थे जिन्हें लूप लाइन में डाला गया। कई महत्वपूर्ण पदों पर विभागों में रहने वाले अधिकारियों को, आईएएस को भी बदला गया है। तो अब आवाजें ये उठने लगी हैं कि ये तबादलों की राजनीति हो रही है। हालांकि कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है और एक बार सब सेटिंग हो जाए उसके बाद फिर प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई पर आ जाता है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं विश्वेश्वर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बड़ा स्वागत करता हूं मैं। और साथ ही मेरे साथ बीजेपी से मनीष सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, ये तबादला है या बदला है? इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि बदला है। ये तो एक हमेशा जो भी कोई नई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से अपने जो जिनको उचित मानती है उन अधिकारियों को जगह अपनी जगह पर प्लेस करती है। तो ये कोई बदले के रूप में उसको नहीं देखा जाना चाहिए। जो पिछले 15 साल में जिस तरीके से सरकार बैठती है, कुछ वक्त गुजारती है, फिर उनको समझ में आता है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए, कहाँ से बदलना चाहिए। इतना वक्त भी नहीं लिया सरकार ने, इधर शपथ ग्रहण होता है और चौथे दिन से तबादले शुरू हो जाते हैं अधिकारियों के। देखिए क्या है कि कमलनाथ जी को बहुत ही राजनीति का लंबा अनुभव, प्रशासन का लंबा अनुभव है, उन्होंने देश की सरकारें चलाने में सहयोग दिया है। तो उनको उनकी नजर मध्य प्रदेश पर शुरू से थी और वो कई आईएएस अधिकारियों से भले ही सत्ता में न रहे हो, वो उनको व्यक्तिगत रूप से और उनकी कार्यशैली को जानते हैं। तो कमलनाथ जी को अधिक समय समझने में नहीं लगा, ये तो अच्छी बात है कि कौन अधिकारी कहां अधिक उपयोगी हो सकता है उसका उपयोग वहां लिया जाए और कौन अधिकारी किस पद के लिए ज्यादा उपयुक्त है उसको वहां प्लेस किया जाए। तो इसको मैं कोई अनुचित नहीं मानता हूं। ये तो प्रदेश के आगामी जो स्वर्णिम भविष्य लिखा जाने वाला है 15 साल के कुशासन के बाद, उसके लिए तैयार की जा रही कार्य योजना है। जी, 15 साल का कुशासन बोल रहे हैं मनीष जी, यहाँ पर संतोष जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये तबादलों की राजनीति चल रही है, बदला राजनीति चल रही है? क्योंकि जिस समय आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस वक्त भी कांग्रेस ने आवाज़ उठाई थी और वो कह रहे थे कि रायसेन और खासतौर से ये भोपाल और होशंगाबाद, तीन जगहों का, और इसके अलावा कई जगह थी जिन जहाँ के कलेक्टर्स का नाम लिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये सही तरह से जो है, जिस तरह एक निर्वाचन आयोग के अधिकारी को यानी कलेक्टर को काम करना चाहिए, वैसा काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर प्रशासन का। देखिए खालिद जी, आप यदि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में आप देखेंगे जी, तो कांग्रेस ने जो खोखे दावे और धोखे जनता से किए हैं उसकी परतें अब खुलने का समय शुरू हुआ है। इन्होंने अपना नारा दिया था वक्त बदलाव का जी, ये विजन क्या था इसमें जनता को भली भांति समझ में आया है। अपराधियों के हौसले जिस तरह से बढ़े हैं इस मध्य प्रदेश में, ये किसी से छुपा नहीं है।
संतोष जी किस परिप्रेक्ष्य में कमलनाथ जी और सरकार की बात कर रहे हैं जी। मैं केवल 50 दिन की कार्य योजना बताना चाहता हूं संतोष जी को, शायद मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन से आप सत्ता में आते हैं उस दिन से यहाँ की ब्यूरोक्रेसी वो बेलगाम होती है, अपराधी बेखौफ विचरण तो करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना, ऐसी कोई सड़क जी, ये भी तो हो सकता है कि ये तबादले जो हो रहे हैं वो यही सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि क्राइम ज्यादा नहीं बढ़े, जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको दोहराया ना जाए। खाली तो जी, आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जी, और समस्या का समाधान यदि स्थानांतरण है तो इससे अनमेच्योरिटी वाला कोई कदम हो नहीं सकता है। आप क्या बदलाव की बात करते हैं, क्या स्थानांतरण उनका प्रदेश से बाहर कर रहे हैं क्या जी? अधिकारी जहां भी रहेगा वो अधिकारी रहेगा जी। आप तो फिर आपकी बना सकते हैं, आप उसको आप उस पर आपके जी जी बिल्कुल, लेकिन आपकी सरकार के दौरान तो मंत्रियों की कम संतरियों की ज्यादा चलती थी, प्रमोटिंग और जो रिटायर्ड हो चुके थे उन लोगों को आप लेकर आए और उनसे आपने काम लिया। जो हम पे इस तरह का आरोप लगाते थे जी, उनकी परतें खुलना शुरू हुई है। गुड गवर्नेंस की यदि हम बात करें तो आप हिंदुस्तान के पैरामीटर्स में उठा करके देखेंगे तो मध्य प्रदेश आला दर्जे की प्रगति हमने की। क्राइम में नंबर वन था मध्य प्रदेश, ये क्राइम में आप देखेंगे खाली जी, क्राइम में नंबर वन जो आता था मध्य प्रदेश का आता था, आप सर्च कर लें पता चल जाएगा। देखेंगे FIR दर्ज होती थी हमारे कहने पे, यदि अपराध कहीं घटित होता है तो पहले कांग्रेस के समय FIR दर्ज नहीं होती थी क्योंकि आंकड़े की कलाबाजी थी। हमने अपराधियों को संरक्षण ना दे, हर व्यक्ति की बात मानी जाए, यदि थाने में आता है तो सबसे पहले आप उसकी FIR दर्ज करें उसके बाद कार्रवाई करें। उसी का कारण था कि आपकी संख्या ज्यादा दिखती थी, आंकड़े आते थे, पर ऐसा खुला कानून का तांडव, गुंडागिरी का तांडव नृत्य प्रदेश। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास में, मैं इस वक्त विश्वेश्वर जी के पास जाना चाहूंगा। विश्वेश्वर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये आते ही प्रशासन में तबादले करना, और वो दौर अभी तक रुका नहीं है, वो लगातार चल रहा है, कभी 26 कभी 48 कभी 15 को लूप लाइन, उसके बाद पता चलता है छिंदवाड़ा का पहले कलेक्टर हटाओ, उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये अधिकारी भी हटेगा, और फिर जहां पहुंचाया जा रहा है, जिस मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है, तो वल्लभ भवन लाके बिठा दिया, किसी विभाग में बिठा दिया, जो इससे क्या नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको? सत्ता परिवर्तन के साथ प्रशासनिक कसावट के लिए तबादले किए जाते हैं, लेकिन जिस ढंग से ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं और कोई उसके लिए क्राइटेरिया नहीं रखा गया, और जो लूप लाइन में थे उनको वापसी मुख्य धारा में ले आए, और जो मुख्य धारा में थे उनको लूप लाइन में कर दिया, इसके पीछे कोई मापदंड नहीं दिखाई देता, और इसके कारण ही जो है प्रशासनिक कसावट जो है सही ढंग से दिख नहीं रही, नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो प्रदेश में आम जनता को दिखाई दे, ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। और उसका प्रभाव तबादलों का ये होता है कि जब अधिकारी किसी दूसरी जगह पे जाता है स्थानांतरित होकर, तो उस जगह को समझने के लिए जानने के लिए उसको कुछ समय लगता है, और जब तक वो समझ पाता है तब तक तो स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती, और ये मैसेज लोगों में सही नहीं जाता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, समझ पाता है समझने से पहले ही, लेकिन यहाँ तो ये खुद ही कभी क्या विवेक अग्रवाल की जगह पर प्रमोद अग्रवाल को लेकर आते हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर आपके IAS को 2 दिन के लिए तख्ती लगती है उनकी, और उसके बाद चेंज हो जाता है, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आप अपने ही लोगों से भी संतुष्ट नहीं जिनको आप अपनी जगह पर बिठाना चाह रहे हैं? ये बात सही है कि कई अधिकारियों के तबादले किए गए जी, वो पदभार ग्रहण करते उसके पहले ही जो है उनका तबादला निरस्त कर दिया गया। मैं मुझे लगता है कि संतोष जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। नहीं देखिए, एक आध मामले में अगर कोई इस तरीके की बात हुई है जिसको समूचे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार मनीष सिंह को, कलेक्टर मनीष सिंह उज्जैन को हटाया गया और एक और अधिकारी को हटाया गया, जब शिप्रा के अंदर श्रद्धालुओं ने काफी परेशानी झेली थी, तो मैं तो इसको कमलनाथ जी के त्वरित निर्णय की क्षमता मानूंगा कि अगर जनता को कोई परेशानी होती है तो उनको कलेक्टरों को या नौकरशाहों को हटाने में देर नहीं लगती। देखिए, जब इंदौर के कमिश्नर होते हैं तो इंदौर नंबर वन आता है, लगातार 2 साल तक इंदौर नंबर वन आता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कोई गलती करेंगे तो उन्हें बिल्कुल वरदहस्त प्राप्त और उनको हटाया नहीं जाएगा। क्यों शिप्रा में इतने श्रद्धालु परेशान हुए, हमारे दो दो मंत्रियों ने शिकायत की, लेकिन मनीष सिंह का रवैया इतने वर्षों में ऐसा हो गया था कि सिवाय मुख्यमंत्री के किसी नेता के सुनते नहीं थे, तो उन्होंने वही रवैया अभी भी अपनाना चाहा, लेकिन वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है जो तुरंत निर्णय लेगी। और उसके बाद शिप्रा में स्थिति सुधरी भी, उज्जैन में आपने देखा होगा।
क्या लगता है आपको मनीष जी, क्या स्थिति सुधरी? और ये जो अभी हाल बात गौतम जी ने कही, क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा होता था? वो अपने आप को बिल्कुल मंत्रियों का इतना करीब ही मानने लग गए थे, मुख्यमंत्री का कि वो अपने हिसाब से चलते थे अपने। अभी मैंने भी सबसे पहला सवाल ये कहा था कि मंत्री ज्यादा संतरियों की चलते थे। देखिए खालिद जी जी, मालवा में एक कहावत है कि विवाह कैसा होगा इसकी शुरुआत खानेगार से होती है। तो शुरुआती 50 दिन में कमलनाथ जी की खानेगार समझ में आ गई लोगों को। कमलनाथ जी केवल बेबस नजर आ रहे हैं, ना तो उनका ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण जनता को दिखा, ना कार्यकर्ताओं में ऐसा कोई इंप्रेशन उनका बन पड़ रहा है कि जिसको कार्यकर्ता ये आत्मसात करे कि कमलनाथ जी बेहतर प्रबंधक साबित होंगे। आप देखेंगे, अभी ये मनीष सिंह जी का जिक्र कर रहे थे, और भी कई अनेक कर्मचारी ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण होता है, फिर दो दिन बाद फिर उनका स्थानांतरण कहीं और होता है। तो ये अनमेच्योरिटी, अपरिपक्वता जो ये देखने को मिलती है, तो इसमें एक बंदरबाट नजर आती है। वहीं कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति, मुख्यमंत्री, देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री, अपने गृह मंत्री के बारे में कहता है कि इनको खोजना पड़ेगा कहाँ है, तो एक क्या मैसेज है आप समझ सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम विपक्ष के नाते आह्वान करते हैं कि आप कम से कम अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश को अपराधियों की शरण स्थली ना बनने दें। हमने मेहनत करके इस मध्य प्रदेश से डकैत की समस्या समाप्त की थी, हमने मेहनत करके अपराधियों को लगाम लगा करके इस प्रदेश की सड़कों से दूर किया था, परंतु ऐसा क्या हो गया 50 दिन में कि अपराधी बेखौफ नजर आते हैं और प्रशासन उनके सामने बेबस दिखता है। जी के पास जाऊं से पहले मैं संतोष जी आप ही से इसका जवाब लेता हूं। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर ये जंगल राज हो गया मध्य प्रदेश में। पिछले 15 साल से क्या हो रहा था आपने देखा नहीं? यहाँ पर 47,000 बलात्कार हुए पूरे शिवराज सिंह के कार्यकाल में, बलात्कारों में नंबर एक हो गया था। इतने अपराध हुए यहाँ पर सबने देखा है। यहाँ पर पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई सबने देखा, 21,000 किसानों ने आत्महत्या की सबने देखा है। तो ये जंगल राज की बात 2 महीने में कर रहे हैं? अरे भाई अभी तो आप 15 साल का बताओ कि क्यों 2 महीने में और चलता है अपराधी और दो बच्चों का अपहरण कर लेता है, ये सामान्य घटना ले रहे हैं संतोष जी। आप अपने समय में बोलिएगा, क्या बात कर रहे हैं? मनीष जी मैं आ रहा हूँ, सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया। मनीष जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, समय आएगा तब बोलिएगा। मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन अपराधियों के, अब इंदौर के अंदर एक कांड हुआ, ट्विंकल डागरे का हत्याकांड हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उनका बेटा उसमें संलिप्त था, और उसकी 2 साल तक पुलिस ने जांच इसलिए नहीं की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे पे आता हूँ, क्या तबादलों से ये सब सुचारू रूप से चलने लगेगा? आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो जाएगा क्या? सिर्फ क्योंकि सिर्फ कुर्सियां बदली नहीं, खालिद जी माफ कीजिएगा, चेहरे बदले कुर्सियां वही है। खालिद जी मैं एक चीज बता दूं, तबादलों पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं, तबादलों पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे ज्यादा हो गए भाई, मैं बता रहा हूं। खालिद जी मेरी बात सुन लीजिए, कई सारी प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं जिसमें मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं, तबादला भी उनमें से एक प्रक्रिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी कई चीजें होंगी जिनसे इस बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाल तक होंगी। लोकसभा चुनाव के पहले पहले होंगी सब? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं चुनाव के पहले, चुनाव के बाद भी बहुत सारे तबादले तो आप लोकसभा चुनाव के पहले करना चाह रहे हैं पूरे। क्या इसको देखिए, जनता बहुत समझदार है आजकल, जनता को सब कुछ समझ में आता है। देखिए खालिद जी मैं बताऊं आपको, जी जी, इस प्रदेश को हमको 5 साल, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, मैं विश्वेश्वर जी से इसको समझना चाहूंगा। विश्वेश्वर जी आप बहुत वरिष्ठ भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छी तरह से राजनीति को भी समझते हैं और दोनों ही पार्टियों की सरकारों को आपने पहले भी देखा है। मैं जानना चाहूंगा ये जो सबसे पहला कदम आते से तबादलों की तरफ बढ़ना, वो भी एक और दो नहीं, लाइन लगी हुई है, अभी तक रुकने का नाम नहीं, इसलिए मैं संख्या भी नहीं बता पाऊंगा कि अभी कितना का और आना बाकी। जो हो गए 26, 48, 15 वो छोड़ दीजिए, अभी भी जारी है। क्या लगता है आपको इससे क्या फर्क पड़ पाएगा मध्य प्रदेश में? देखिए प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं जी, उनको मैं देखता हूँ एक घोड़ा और घुड़सवार की तरह, कि घुड़सवार जो है वो राजनेता होते हैं जी, और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो घोड़े की तरह, एक जितना अच्छा घुड़सवार होगा वो प्रशासन को उतनी अच्छी तरीके से चला पाएगा। यहाँ पर वो स्थिति नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी, उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो पिछली कांग्रेस सरकार में भी थे, बिल्कुल, और उनसे ही काम लिया गया। तो ये एक आदर्श स्थिति होती है कि अधिकारी वही हैं, हमारे काम लेने का तरीका क्या है, हम उनसे चाहे जैसा काम ले सकते हैं, क्योंकि अधिकारी जो है सत्ता की भाषा को समझते हैं, उनके इशारों को समझते हैं और उनकी तरह चलना जानते हैं।
बिल्कुल सही बात है, ये आपने काफ़ी ये कहा। और ये है कि काम कैसे लिया जा सकता है, इसके ऊपर काफ़ी जो है कि सरकारें भी इसके ऊपर सोचती हैं कि अगर उन्हीं अधिकारियों से, और ये भी होता है कि अपने मनपसंद अधिकारी को कहाँ बिठाना है, ये चीज़ भी आती है। अगर मैं मनीष जी आपके पास आऊँ, जाऊँ कि आपके वहाँ एस के मिश्रा हो गए, मनोज श्रीवास्तव हो गए, सुलेमान, ये सुलेमान खान थे जो थे, यही ऐसा लगता था कि सरकार चला रहे हैं। देखिए खालिद जी, जी मैं इसमें माननीय साथी मित्र इनकी बात का समर्थन करूंगा। घोड़ा घोड़ा होता है घुड़सवार कैसा जी, ओवरऑल नियंत्रण करता घुड़सवार होता है। ऐसी जिम्मेदारी आज सरकार के मुखिया की है। माननीय जब मतलब शिवराज जी थे तो उन्होंने फ्री हैंड दे रखा था, नहीं शिवराज जी थे तो उनको कानून व्यवस्था हो, चाहे मध्य प्रदेश के विकास के मॉडल की बात हो, उनको करना था, जवाबदेही शिवराज जी की थी। तो उनको किसकी सवारी करना है ये उनका व्यक्तिगत मसला होता है। हम कोई कमलनाथ जी पे आरोप नहीं लगाते हैं, वो किनको रखे किनको ना रखे, इन्होंने बदलाव की हम उस विषय पे आते हैं। ऊपर से लेकर के मतलब चीफ सेक्रेटरी से लेकर के एक कोटवार तक का स्थानांतरण इस सरकार ने किया है अभी तक। जब आप वक्त बदलाव का करते हैं तो बदलाव दिखना चाहिए। आपने अपनी रुचि के अधिकारियों को यदि प्रमुख पदों पर बिठाया है जी, तो उसका निष्कर्ष क्या निकल के आना चाहिए। यदि अपराध पूर्व में हुए, आपने बार बार भ्रम फैलाया कि हमने पूरे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया, आज आप सरकार में बैठे हैं, आपको स्वतंत्रता है। यदि हमने भ्रष्टाचार किया है तो आपको अधिकार है उसको उजागर करने का। केवल घड़ियाली आंसू बहा करके कानून व्यवस्था को लचर करके आप प्रदेश में अराजकता नहीं फैला सकते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर भी मजबूत है। हम आपकी नाकामी तबादलों पे हम आते हैं। आपके भ्रम को तबादलों पे आते हम हैं। आपके स्थानांतरण को मनीष जी तबादलों पे आता हूँ वापस। बिल्कुल मैं तबादले की बात कर रहा हूँ व्यवस्था में जी जी, क्योंकि तबादले से ही व्यवस्था बदली है। बिल्कुल बहुत व्यवस्था मध्य प्रदेश में भ्रम का वातावरण। आरटीओ वानिचकर याद होगा आपके कार्यकाल के दौरान बिकते थे, ये आरटीओ बिकता था, वानिचकर बिकता था, उद्योग बन गया था तबादले। ये मैं खाली जी आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ जी इन सब विषयों को। क्या आपको लगता है बिकता है तो दोषी व्यक्ति को चिन्हित कीजिए ना, भ्रम क्यों फैला रहे हैं आप? ये ख्याली मन गलन आंकड़े आपके प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा खनन अधिकारी की, रखने के लिए खनन अधिकारी की तस्वीर दिखाऊंगा जो ट्रैक्टर के नीचे कुचला गया था जी, ट्रैक्टर के नीचे कुचला गया, खनन अधिकारी की तस्वीर दिखाऊं मैं आपको प्रशासन खनन जी खाली जी, यदि इस टाइप की हरकत हुई है तो कानून ने अपना काम किया है। आपने ये भी देखा होगा दोषी सलाखों के पीछे गए हैं। गौतम जी क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपने कुछ कह दिया खाली जी, वो कोई अंतिम सत्य नहीं है। आप थोड़ा सा इनको बीच में नहीं, बिल्कुल अब मैंने आपने उनको सुना है धैर्य के साथ, मुझे लगता है मनीष जी भी बिल्कुल सुनेंगे जी। मैं ये कह रहा हूँ आपने 100% सही कहा है, ये वही तो सरकार थी 15 साल से जिसमें अवैध रेत माफिया से लेके शराब माफिया से लेके रेत के डंपरों के नीचे लोग कुचले जा रहे थे। आपने देखा कि कैसी कैसी घटनाएं हुई है, नर्मदा नदी के बीच में सड़कें बना दी गई। तो अब तो जनता ने चुन लिया ना आपको? हाँ, नहीं जनता ने हमको चुन लिया तो यही तो परिवर्तन देखने को मिलेगा कि 15 साल के परिवर्तन दिखना भी चाहिए। 15 साल परिवर्तन क्या देख रही है? अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव होते हैं, उनको आप बिठा देते हैं सीधे पशु पालन विभाग के अंदर, क्योंकि वो संघ के करीबी माने जाते हैं, खुल्लम खुल्ला सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा नजदीक के मुख्यमंत्री से भी उनकी थी। तो ये परिवर्तन दिखाएंगे आप खाली जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि हमेशा कोई भी सरकार आती है तो वो वाकई में ये बात सही है कि वो अपनी चुनिंदा अफसरों को इस प्रकार से कोशिश करते जिन पर उनको अधिक विश्वास होता है या जिन पर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये इस पद पर ज्यादा ठीक रहेंगे, तो उन परिवर्तनों का मुख्यमंत्री जी को पूरा हक है। कृपा करके उन्हें थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आकलन करने के लिए यहाँ 15 सालों की तुलना आप 2 महीने से कर देंगे। अरे थोड़ा समय दीजिए हमको। हाँ आचार संहिता लगने समय ले आचार संहिता लगने की वजह से अगर कोई प्रशासनिक तबादला जरूरी है, क्योंकि 3 महीने तक फिर कोई कार्रवाई होगी नहीं, रुक जाएगी। बिल्कुल अब आप बिल्कुल मुद्दे के ऊपर आ गए। तो बिल्कुल इसमें क्या है, तो अगर प्रशासन चलाने के लिए कुछ सुचारू व्यवस्थाएं चलाने के लिए यदि ट्रांसफर और स्थानांतरण आवश्यक है तो बिल्कुल किए जाने चाहिए और होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या उसका तरीका ये होना चाहिए कि इतनी जल्दी जल्दी जो है कि हम तबादले कर दें, कि अभी हमारा खुद का प्रशासन अभी संभले हुए, अभी हमको 1.5-2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, और उसके पहले हम इसको पहले ये तो बिल्कुल वही वाले पर या तो ईवीएम पे बात उठा लिया करते थे कि नहीं साहब वहाँ की गड़बड़ी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और हम चुनाव के पहले कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जनता के दिमाग में ये आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, जनता ये समझ नहीं पा रही कि ये तबादलों के लिए सरकार आएगी या सरकार कंट्रोल करेगी। आप 3-4 दिन से अपहरण के केस आ रहे हैं, उसके ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं पा रही, सतना वाले मामले में अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन साहब ये कि तबादलों का दौर जो रुक नहीं पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए तबादलों का आप हर घटना से तबादलों क्यों जोड़ के देख रहे हैं, अगर कहीं कोई अपहरण हुआ तो वो क्या तबादले के कारण हो गया? मैं तो ये मानता हूं कि पुरानी जो लचर व्यवस्था चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी के, उसको कसने के लिए हमें कुछ और समय दीजिए, आप देखेंगे कि यहां बेहतर प्रशासन आपको मिलने वाला है। ये लोकसभा के पहले की तैयारी है? बिल्कुल लोकसभा के पहले की तैयारी है। विश्वेश्वर जी क्या लगता है? जहां तक अधिकारियों की बात है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनके अनुभव जी, इसको ध्यान में रख के उनके तबादले किया जाना चाहिए, और कोई भी अधिकारी किसी मानसिकता को लेकर नहीं चलता कि वो भाजपा का है या कांग्रेस का है, वो प्रशासन को बेहतर बनाना चाहता है, और सवाल यह आता है कि सत्ताधारी जो हैं वो उसको बनाना उस तरीके से काम कराना चाहते हैं या नहीं चाहते जी। उसका चयन उसकी योग्यता के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर, बिल्कुल योग्यता के आधार पर होना चाहिए, सब चीजें ये है कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि जब से तबादले होना शुरू हुए हैं, विपक्ष में बैठी है भाजपा, सीधे ये कह रही है कि लोकसभा से पहले जो है कि जितने ज्यादा तबादलों में ही लगी हुई है सरकार, बाकी के और जो काम है वो जो है कि पेंडिंग पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो चीजें होना चाहिए, इस वजह से मैंने आपसे ही सवाल किया है। जी हाँ, ये बात सही है कि तबादलों के कारण जो है प्रशासनिक कार्य जो है उनमें कसावट नहीं आ पा रही, ढीलापन आ रहा है, जो लोगों को दिख भी रहा है, और उसी कारण अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है कि पुलिस के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो ट्रांसफर में ही लगे हुए हैं, संबंधित जगह पे जाते हैं, पता पर ज्वाइन किया और उनका स्थानांतरण निरस्त हो गया, तो इस तरीके से कार्य नहीं हो सकता जी, और उसी का ये प्रभाव है कि लोगों में ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा। बिल्कुल संदेश अच्छा नहीं जा रहा। और एक और मैं वापस से संतोष जी शायद आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि संदेश विधानसभा चुनाव के पहले भी क्लियर नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हालांकि जिस तरह से सब मैदान में जुटे थे, सबने मेहनत करी है, उस वक्त भी ये लग रहा था कि नहीं अभी भी कांग्रेस जो गुटों में बदली बटी हुई है। लेकिन मैंने ये सवाल की भूमिका इसलिए बनाई है कि आज कमलनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, और दो ऐसे बड़े अधिकारियों पर जिनको उनको भरोसा है, चाहे मैं मोहंती जी की बात करूं, चाहे मैं रेड्डी साहब की बात करूं, वो दोनों जो हैं वो दिग्विजय सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और उनके कार्यकाल में भी काफ़ी अच्छे पदों पर रहे हैं। तो अच्छा है, ये तो सामंजस्य होना ही चाहिए सब नेताओं में आपस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, यदि ये सब मिलकर, राहुल सिंह जी, सब मिलकर अगर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते तो इसमें क्या बुरा है? चलिए, फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। जी जी, मैं आप ही से, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कब रुकेंगे तबादले और कब होगा काम सुचारू, मुझसे ये सवाल जी। नहीं तो ये तबादले के तो कमलनाथ जी अगर देख लेंगे कि हाँ उनके हिसाब से अधिकारियों की सारी पोजीशनिंग हो गई है जिसमें वो काम करने में कंफर्टेबल हो, उस दिन तबादले रुक जाएंगे जी। मनीष जी बहुत संक्षेप में, क्या ये लोकसभा को देखते हुए ये तबादले की कार्रवाई चल रही है इस वक्त? देखिए खालिद जी, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों में एक अविश्वास की बयार चल पड़ी है, सारी बयार 2 महीने में चल रही है। निश्चित रूप से प्रदेश की प्रगति के लिए घातक है जी। ये प्रशासनिक अमले को दुरुस्त करें, कानून व्यवस्था पे ध्यान दें, सकारात्मकता क्या हो सकती है उस पर निर्णय करें, तो प्रदेश का भला होगा। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से तो हमने निकाला है, आज समृद्धि की ओर है मध्य प्रदेश, बचा नहीं है, आप इसको वापस बीमारू ना कर दें। क्या लगता है, क्या इसे तबादलों की सियासत कहा जाएगा कि नहीं, बहुत संक्षेप में मुझे बताएं। ये तबादलों की सियासत तो है, इसमें जो कांग्रेस के जो गुट बने हुए हैं उसका भी प्रभाव अंतर्निहित है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जो तबादले होते हैं, कोई दूसरा नेता जाता है कि नहीं इसको निरस्त किया जाए तो वो निरस्त हो जाता है, और इसमें प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों स्टूडियो में आए, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पते की बात में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहें DNN न्यूज।
डिजिटल और ब्रॉडकास्ट के नए दौर में।